बॉडी जिसका मास कम है ठीक है। इन दोनों के बीच में काफी सी दोनों सर्फेस के बीच में काफी सेंटर ऑफ फ्रिक्शन जो है ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम फोर्स क्या है ठीक है। न्यूनतम पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको आगे बढ़ेंगे ठीक है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ठीक है। इसमें क्या करना है आपको न्यूनतम को एफ मिनिमम ठीक है। न्यूनतम को स्कूल में एफ मिनिमम कितना होगा जो कि बॉडी को स्लाइड कर सके स्लाइड में तो आगे बढ़ ठीक है। पहला और दूसरा हो गया इस समय हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स कितने एंगल पर थीटा का थीटा क्या है एंगल बिटवीन एफ मिनिमम एंड हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा और एफ मिनिमम के बीच का क्षैतिज और एफ मिनिमम के बीच का एक बार ट्राई कीजिए तो सॉल्व करवा दीजिए। दो काम कर लिए आप लोग देखिए अब हमें मिनिमम फोर्स क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिश करते हैं क्या हो मैं इसी पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ आपको दर्ज करना है। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एनर्जी ऊपर की तरफ क्या होगा ध्यान रखना हमेशा एमजी की पावर में एक्सेल नहीं होगा ठीक है। अभी देखिए कुछ होता है मतलब इस डायरेक्शन में पुश करूंगा और लोकल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा ठीक है। थीटा साथ में एफ कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में एफ सेंटर और इधर फ्रिक्शन वाला
तो मूव कराना है और नेगेटिव कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा। जब वो मूव करने वाली है, कब मूव करने वाली है, जब f cos θ μ के बराबर होगी। जब स्लाइड करने वाली होगी, एक और दो से क्या होता है, किसी भी थीटा एंगल पर अभी इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। F is equal to mg upon mu sin theta plus cos theta, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी एंगल थीटा पर। लेकिन हमें क्या कहा गया है, मिनिमम फोर्स निकालना है, ठीक है। ये तो F निकल गया है, तो हम F मिनिमम पे ले जाएंगे। क्या होगा अब इसके अंदर में जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे,
म्यू साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का डिफरेंस ये सब माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा, सॉरी म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, ठीक है। तो या तो ये वाला टर्म जीरो होगा या तो माइनस वन बाई समथिंग टर्म जीरो होगा। ये वाला टर्म जीरो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि प्लस में है तो जब भी होगा वो ऊपर वाला टर्म जीरो होगा। या तो यू करें इसको हमने जीरो के तरफ ले जाकर के मल्टीप्लाई करके जीरो कर दिया, या इसको हम जीरो की तरफ ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे है इसको हम यहाँ ले जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो हो जाएगा। तो हमारा फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करने से क्या आया, टैन थीटा इज इक्वल टू क्षतिज और मिनिमम फोर्स के बीच का, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखकर क्या फाइंड कर लिए हैं, नोट कर लीजिए, f इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा को फाइंड कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, और उसके बाद हमने फाइंड कर लिया कि किस एंगल के ऊपर, किस थीटा के ऊपर ये जो है जीरो, मतलब कि मिनिमम हो जाएगा, df / dt का फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा किस एंगल के ऊपर। तो हमने एंगल भी फाइंड कर लिया, तो होगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स कितना आया हुआ है पहले से, अपने पास फोर्स जो आया हुआ है तो म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर आ चुका है फोर एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम का जब हम फाइंड करने के लिए देखते हैं तो उसका हमारा जो कंडीशन आया है टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक चीज और पहले भी बन जाए, मैं फिर से बता देता हूँ, जब टैन थीटा म्यू दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा निकालने का, ये एंगल थीटा मान लो, टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया म्यू, आधार क्या हो गया वन, तो यहाँ पर जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम तो प्रॉब्लम को सुलझा, देखो तो म्यू बाय वन ही होगा, जो म्यू है तो म्यू बाय वन है, देखो या तो थ्री लिखो या तो थ्री बाय वन लिखो, कोई प्रॉब्लम, तो उसी तरह म्यू लिखो या म्यू, जब नीचे कुछ नहीं है तो वन है, जहाँ कुछ नहीं वहां क्या है वन, ठीक है। तो ये टेन कितना म्यू है, तो म्यू को तो म्यू बाय वन लिख सकते हैं, उसे स्क्वायर करना है क्या, म्यू को स्क्वायर बताता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो लंब है वो म्यू है, आधार क्या है वन है, तो जब लंब और 90 डिग्री बना है ना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में कि जब हम टर्म फाइंड करते हैं रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर मीन स्क्वायर से प्लस वन हो गया। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या है म्यू अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन, और यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो हमें थीटा फाइंड करना था, उस मिनिमम फोर्स को हम कितने एंगल पर लगाएंगे, ये हमारा एंगल मिनिमम फोर्स को इस एंगल पर लगाएंगे, परपेंडिकुलर से एंगल बनाएंगे। अब उसके बाद एफ मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है, f मिनिमम के लिए जाएंगे, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का ये वैल्यू है पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे म्यू टैन थीटा अपॉन म्यू इनटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है म्यू अपॉन
जैसे ऊपर में रूट टू है और नीचे में टू है, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, टू को लिख सकते हैं ना, रूट टू इंटू रूट टू। एक सेकेंड कैंसिल हो गया तो हमारा कितना बचा? वन बाय रूट टू बचा। उसी तरह रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन है, नीचे म्यू स्क्वायर प्लस वन है, ये कैंसिल आउट है, कितना बचेगा नीचे? रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन। यही हो गया हमारा एफ मिनिमम, कि मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस एंगल पर, लगाना पड़ेगा जो इंडक्स की एंगल पर, तो बॉडी क्या है स्लाइड कर जाएगी। इसको एज अ रिजल्ट में आप लोग अपना सकते हैं। सर क्वेश्चन दिया हो तो पहले तरीके को यू पी एन की हम यहां पर सीधा वैल्यू पुट कर दें। हां तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट का तो सही है ना। तो मतलब ये इसका रिजल्ट जो है वो आ सकता है आपके लिए, ठीक है? प्रोसेस ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आंसर ये बात नहीं है, हमें प्रोसेस ध्यान में रखना है, मैथड्स, ठीक है? फाइनली जो जो रिजल्ट को आप रखना ही रखना है, जो रिजल्ट आया था उसके उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, तो आप लोग इसका रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कनिका आपको प्रोसेस